खबर टीकमगढ़ से है, जहां गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने प्रशासन के अधिकारियों से अपने ही स्कूल में आने की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार स्कूल से आने वाले रास्ते में एक शराब की दुकान है, जहां सामाजिक तत्वों को हुजूम उमर पड़ता है। बता दें आपको कि जहां असामाजिक तत्वों का हुजूम उमर पड़ता है, जिसके चलते छात्राएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं और उन्हें आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके विरोध में इस समस्या की उचित कार्रवाई की मांग करते हुए छात्राओं ने एकजुट होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। हमारा स्कूल ढोगा पे लगता है, नजरबाग में, वहाँ पर सर लेने जाते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि आज कल बोलते हैं वो लोग लेने जाते हैं, तो वो बोल रहे थे कि सुमंदर स्कूल आना है, तो इसलिए हम लोग लट्टे आए हैं, उधर नहीं जा पाए। अच्छा था उनसे, तो बोल रहे थे वो मतलब वो बनता नहीं है। इस समस्या से दिया है कि मतलब स्कूल दूर पड़ता है और कलारी भी पड़ती है, मतलब छेड़खानी की से जानी पड़ती है। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ढोंगा पर, उसमें सर लोग बोलते हैं लेकिन आदमी पर सर आज की कहती हूँ, खाली बोलते लेकिन सर लाती नहीं। आज नजरबाग स्थित जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में जैसे बच्चे आए थे, कुछ रिप्रेजेंटेटिव भी आए थे, उन्होंने ज्ञापन दिया कि यहाँ पे जो नई बिल्डिंग बन गई थी, नई बिल्डिंग बनना था, इसके संबंध में उनको ढोंगा स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया था। वहाँ क्लास है, उनका ये कहना है कि अब नजरबाग में हमारा स्कूल बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है, हमें वापस वहाँ पर कर दिया जाए, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। उनका दूसरा कारण ये था, उनको बताना है लोगों के बच्चों का, नहीं जाना छात्रा होगा कि वहाँ दूरी बहुत ज़्यादा पड़ती है, हम लोग शहर में बीच में ही रहते हैं और गाँव का लगभग 4-5 किलोमीटर दूर पड़ता है। रास्ते में उनका ये कहना है कि कुछ सौराज की दुकानें पड़ती है, वहाँ सामान एकदम खड़े रहते हैं, तो उन लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। संबंध में उनका एक ज्ञापन है, हमें वापस जो हमारा स्कूल नजरबाग में रखा था वहीं स्थानांतरित कर दिया जाए, हम वापस वहाँ नहीं जाएंगे। सुमंदर और हायर सेकेंडरी स्कूल वही लगेगा ढोंगा में। तब से ये बच्चियां जो है आंदोलित हैं, वो बराबर हमसे संपर्क कर रही और इनके अभिभावक जो है संपर्क कर रहे थे कि इसमें आपको कुछ पहल करनी चाहिए। आज सब बच्चियां जो है यहाँ पे इकट्ठी हो गई और हमें हम इनके साथ हैं और हमारी ये मांग है कि जहाँ पे कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल है, जब से हमने बचपन से देखा है कि अब वहीं पर संचालित था और उन्हीं के नाम पे बिल्डिंग बनी है, तो जो बिल्डिंग बनी है उसी में कन्या विद्यालय लगना चाहिए। और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि जगह कम पड़ रही है और जरूरत है, तो वो सरकार में है, वो एक और हाई सेकेंडरी स्कूल खोले जहाँ उन्हें सुविधा देगी।